Now students, today we are going to see that the topic magnetic field produced by current through a circular loop of a conducting wire. अब ये loop क्या होता है ये देखेंगे हम. देखो अगर हमने एक वायर लिया, ये आपका कंडक्टिंग वायर है, इसको अगर हमने बहुत सारे राउंड बना दिए इस तरीके का, उसको मोल्ड कर दिया, तो ये आपका लूप बन जाता है. ओके, अब यहाँ पे इसको हम, ये आप देख रहे हैं, ये आपको लूप दिखाई दे रहा है. हम यहाँ पे एक प्लास्टिक की शीट लेंगे, ये प्लास्टिक की शीट है, इसमें हम दो गड्ढे करेंगे, टू होल्स करेंगे, जिसको पॉइंट पी और क्यू पॉइंट देंगे. ओके, अब ये लूप से हम सर्किट कनेक्ट करेंगे. तो यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट किया है, एमीटर है फॉर मेजरिंग द करेंट, रियोस्टेट है, ओके, दैट इज़ द रेसिस्टेंस ऑलरेडी गिवन, वेरिएबल रेसिस्टेंस. अब ये सर्कुलर लूप में आप देखेंगे, अगर हमने ये प्लास्टिक की शीट लिया है, तो यहाँ पे हम आयरन फिलिंग्स डालेंगे. आयरन फिलिंग्स डालने से यहाँ पे हम लोग उसको, मतलब यहाँ पे बिखरा देंगे. अब आप देखेंगे जब ये आयरन फिलिंग्स हम यहाँ पे बिखरा देंगे, आपको ये मालूम है, जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट किया, प्लग की को किया और करंट फ्लो होना शुरू हो गया, तो करंट कैसा फ्लो होगा आपको मालूम, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है. कैसा होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में करंट फ्लो होता है. जैसे ही करंट फ्लो होता है कंडक्टिंग वायर में से, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये भी आपको मालूम है. तो यहाँ पे क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. ओके, जैसे अ सर्किट इज कम्प्लीटेड बाय कनेक्टिंग वेरियस कॉम्पोनेंट्स एज शोन इन द फिगर, इफ द करंट पासेस थ्रू द लूप, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर प्रोड्यूस एट ईच पॉइंट ऑन द लूप. तो ये जो दोनों पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं पी एंड क्यू, उसमें दोनों में आपका क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड. अब यहाँ पे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो वो कैसे होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल. जैसे ही आप थोड़ा सा ये प्लास्टिक को टैप करेंगे, तो टैप करने पे ये आयरन फिलिंग्स इस तरीके से अरेंज होंगी, ये आपको दिखाई दे रही है सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होते हुए. तो यहाँ पे ये दोनों में सर्कल बन, दोनों सर्कल दो दो सर्कल बने. अब यहाँ पे देखिए, रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल बिकम बिगर एंड बिगर. और जैसे ही आप थोड़े देर में, वो जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ये आपको मालूम है. आपको ये याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. एज वी गो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द लूप, अब हम अगर ये लूप है, ये लूप के अंदर में आपको देखिए ये बड़ी होते जाएगी, बड़ी होते 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 ये देखिए ये सर्कल हाफ होते गए. ये अंदर में दिख रहा है आपको हाफ सर्कल, और बीचों बीच में आपको एक स्ट्रेट लाइन शो कर रही है. मतलब जो लूप के अंदर में, लूप के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बहुत बड़ी रहेगी और स्ट्रेट लाइन में रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगी और स्ट्रेट लाइन में रहेगी. द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर शोन नियर द पॉइंट्स पी एंड क्यू ओनली. हाउएवर, अब मैग्नेटिक लाइन्स का फोर्स कहाँ शो कर रहा है, सिर्फ पॉइंट पी और क्यू के पास में ही. हाउएवर, दे विल बी क्रिएटेड नियर ईच पॉइंट ऑन द लूप. Likewise, each point will produce magnetic field at the center of the loop. हर एक, दोनों पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड वो तो पूरे वायर में प्रोड्यूस हो रही है, बट यहाँ पे हम P और Q को कंसिडर कर रहे हैं. तो ये यहाँ पे सेंटर में भी आपको दिखाई दे रही है, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जो दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम लेंगे एक नॉर्थ और एक लेंगे साउथ. ओके, अब नॉर्थ और साउथ हमको मालूम है, तो हमने ये पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो रहती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा रहता है, नॉर्थ से आउटर में, मैग्नेटिक मैग्नेट के बाहर में नॉर्थ से साउथ रहता है, और मैग्नेट के अंदर में साउथ से नॉर्थ रहता है. मैं फिर से बोल रही हूँ, मैग्नेट के बाहर में कैसा रहता है, नॉर्थ से साउथ. तो क्या होगा, नॉर्थ से साउथ ये मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ यहाँ पे जाएगी, और नॉर्थ से ये लाइनें बाहर निकलेगी. तो आपको ये डायरेक्शन दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ये इस तरीके का डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी इस तरीके का, मतलब वो नॉर्थ से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है आपको. ये देखो, मैं आपको बता रही हूँ, आप यहाँ देखिए इस तरीके से, ये आपका मैग्नेट है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है. तो मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. तो यहाँ से वो बाहर निकलेगी लाइन, तो बाहर निकलेगी तो ये कैसा आएगा, ये इधर से, ये इधर से, मतलब देखिए आपका ये डायरेक्शन इस तरीके से, ये आपका ये आ रहा है यहाँ पे, ये आपका डायरेक्शन यहाँ पे आ रहा है, ये डायरेक्शन आपका यहाँ पे आ रहा है. तो ये नॉर्थ से ऐसे निकलेगी, तो ये इस तरीके का, इस डायरेक्शन में क्यू पॉइंट में इस तरीके से रहेगा, और एन पी पॉइंट में इस तरीके का डायरेक्शन रहेगा. ओके, नाउ सी आफ्टरवर्ड्स, बाय मेकिंग यूज़ ऑफ द राइट हैंड थंब रूल. अब आप राइट हैंड थंब रूल से चेक
दैट एवरी पॉइंट ऑन द लूप कंट्रीब्यूट द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स. हर एक पॉइंट लूप का उसको क्या करेगा, सेंटर ऑफ द लूप. दिस लाइन्स ऑफ फोर्स एट द सेंटर ऑफ द लूप आर इन द सेम डायरेक्शन. सेंटर में, लूप के सेंटर में हर एक पॉइंट तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, और वो क्या रहेगी, सेम डायरेक्शन में. दिखाई दे रही है आपको,